हाय बेबी, कम टू बिहार। तो अभी हम लोग आज चुके हैं पटना। तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं पटना बस स्टैंड के पास, और पटना बस स्टैंड भी सरकारी बस स्टैंड घुमाने वाले हैं, बल्कि आपको सरकारी बस स्टैंड पटना में और पटना से मोतिहारी का किराया कितना है वो भी हम आपको पूरी डिस्कस कर बताने वाले हैं वहीं पे। और अभी हम लोग हैं पटना जंक्शन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे पटना सरकारी बस स्टैंड। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहे। और अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं सीधे गांधी मैदान, और गांधी मैदान से हम लोग गाड़ी भरेंगे, बल्कि सरकारी बस स्टैंड से हम लोग गाड़ी पकड़ने वाले हैं, वहाँ से पकड़ेंगे और चलेंगे मोतिहारी, और देखते हैं मोतिहारी का किराया कितना होता है ना। होना चाहिए 250 से 300 के बीच में ना। तो अभी हम लोग कहाँ गए भाई, सब वहाँ पे क्या, तो यहाँ से हम लोग भी निकलते हैं, तो चलिए वहीं पे हम आपको मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से पूरी तरह से निकल चुके हैं, बल्कि सरकारी बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ते हैं गांधी मैदान के लिए, ऑटो या बस पकड़ेंगे गांधी मैदान के लिए, और वहाँ पे हम लोग चलेंगे सरकारी बस स्टैंड। और यहाँ पे पटना जंक्शन का हल्का व्यू आपको हम दिखा देते हैं पूरी तरह से, यहाँ से दिखाते हैं। ऑटो में हम लोग जाने वाले, सॉरी रिक्शा में जाने वाले थे ना, 40 रुपए हम पूरी को भाई, हम सोचे कि जाते रह जाएंगे ना। कहाँ पे जाए, तो यहाँ से हम आपको व्यू पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पे पटना जंक्शन देख सकते हैं, पटना जंक्शन, और यहाँ से आपको गांधी मैदान के लिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बस लगी हुई है भाई, यहाँ पे बस लगी हुई है, इसी बस में हम लोग चलते हैं, बल्कि पटना गांधी मैदान सरकारी बस स्टैंड के पास। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से हम लोग अंदर घुसेंगे और अंदर आते हैं, बातें करते हैं। तो अभी हम लोग पूरी तरह से बैठ चुके हैं ऑटो में, और डायरेक्ट हम लोग उतरेंगे गांधी मैदान, जहाँ पे क्या चीज जो खाने का सामान मिलता है ना होटल में, वहीं पे तो बहुत सस्ता मिलेगा भाई वहाँ पे, लमसम बहुत कितना बोले 50-60 के आसपास मिल जाएगा। और वहाँ पे चलकर पूरी डिटेल्स बताने वाले भाई कितना मिल रहा है क्या चीज। तो चल रहे हैं हम लोग ऑटो में, तो बैठ चुके हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट सरकारी बस स्टैंड के बगल में है यहाँ पे कारगिल चौक, और यहाँ पे बस स्टैंड। तो अंदर हम आपको पूरी तरह से ले चलेंगे, और वहाँ पे भाड़ा भी डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि मोतिहारी का किराया कितना है सरकारी बस का। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलने वाले हैं, और यहाँ पे कारगिल चौक है। तो पहले हम आपको कारगिल चौक का पूरी व्यू यहाँ पे दिखाने वाले हैं, और कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है ये भी बताने वाले हैं। और यहाँ पे जस्ट गांधी मैदान बगल में है, तो ऐसे भी गांधी मैदान तो नहीं जाएंगे हम, पहले यहाँ पे कारगिल चौक का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो आप यहाँ से जैसे देख सकते हैं ये वाला भी रास्ता है, और यहाँ पे कारगिल चौक का जो कि आप निशान देख सकते हैं, बल्कि गोलंबर मान के चलिए जैसे कि, और जस्ट यहाँ पे बगल में आपको मिल जाएगा सरकारी बस स्टैंड। यहाँ पे सरकारी बस स्टैंड है, बल्कि गांधी मैदान के पास, गांधी मैदान के बगल में सरकारी बस स्टैंड है। और यहाँ पे आपको शायद कोर्ट वाला रास्ता है ना, यहाँ पे बगल में जस्ट इधर से। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं पूरी तरह से सरकारी बस स्टैंड। तो यहाँ पे जस्ट गांधी मैदान, कारगिल चौक, और जस्ट यहाँ पे अंदर है सरकारी बस स्टैंड। हम लोग अंदर चलते हैं सरकारी बस स्टैंड का, और बस का भी मालूम कर लेते हैं ना कितना पड़ रहा है अभी मोतिहारी का।
Hi baby, come to Bihar. I am learn to Bihar. हम लोग यहाँ पे पहले पता करते हैं चलकर कितना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे सरकारी बस स्टैंड देख सकते हैं, बल्कि पटना का सरकारी बस स्टैंड में अंदर आपको हम लेके चल रहे हैं यहाँ से, और अंदर का पूरी व्यू दिखाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत हार्ड, यहाँ पे पूरी तरह से हम भीग गए हैं भाई पसीना से, और एक तो बैग भी बहुत भारी है भाई। जैसे कि हम तो अभी आ रहे हैं ना दिल्ली से, अरे भाई तो अभी हम तो आ रहे हैं दिल्ली से, यहाँ पे बैग भी भारी है, और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं सरकारी बस स्टैंड के अंदर एंट्री करने वाले हैं जस्ट हम लोग। तो भाई हम लोग इस बस का मालूम किए हैं, बल्कि सरकारी ही बस है, 229। हम जैसे कि मोतिहारी का बस किराया बताए होंगे सरकारी बस का, जो कि 229 रुपया, और हम लोग यहाँ से जस्ट चलने वाले हैं, मोतिहारी भी जाएंगे और यहाँ का पूरी तरह से व्यू दिखा देते हैं यहाँ का, बल्कि सरकारी बस स्टैंड का। तो हम लोग चलने वाले हैं मोतिहारी, तो वहाँ का ट्रेवल कराने वाले हैं। तो पहले यहाँ का हम आपको पूरी व्यू दिखाते हैं, पटना सरकारी बस स्टैंड कहाँ पे है और किस जगह पे है। यहाँ पे यही आपको सरकारी बस स्टैंड है, देख सकते हैं आप पूरी तरह से। तो हम आपको पूरी तरह से पटना बस स्टैंड, पटना सरकारी बस स्टैंड का व्यू दिखा दिए होंगे और बता भी दिए होंगे, और यहाँ से हम फिर निकलते हैं आगे, उसके बाद गाड़ी पकड़ेंगे हम, बल्कि आगे निकलते हैं उसके बाद गाड़ी पकड़ेंगे। और यहाँ भाई बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया, पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत हार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे बगल में कारगिल चौक है। तो चलिए हम आपको फिर मिलते हैं अगली बार, तो यहाँ पे अभी तो आपको पटना का नज़ारा देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली बार, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, ओके।